नमस्कार दोस्तों, ये जो हमारा अगला वीडियो है, इस वीडियो में ठीक है आज हम करेंगे एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग, जो स्टाइल है उसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो स्टाइल है उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से जो है एक टेबल बना रखी है यहाँ पे। ठीक है, इस टेबल को ठीक है कि फॉर्मेटिंग जो स्टाइल है वो कैसे देते हैं। यहाँ पे स्टाइल, यहाँ पे एक तो था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेकंड है यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल, एंड थर्ड है सेल स्टाइल। ठीक है, तो पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप यहाँ से और यहाँ पे भी, ठीक है आप यहाँ से शुरू करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, जिसके लिए हम कुछ जो डिजिट है उनको चूज करेंगे। मान लीजिए मुझे कंडीशन लगानी सिर्फ इन नंबरों के ऊपर, ठीक है तो मैं यहां से भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा सकता हूं, और नो ओके सॉरी, तो मैं यहां से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा सकता हूं। ठीक है, अब जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो कैसे यूज करेंगे। यहां सेलेक्ट किया मैंने, यहां पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों गया। यहां से देखिए ये कहता है कि हाईलाइट सेल रूल, जो सेल हमने सेलेक्ट कर रखा है उनके ऊपर ग्रेटर देन की वैल्यू के साथ हमें दिखाना है कि कितनी वैल्यू से हम यहाँ पे ग्रेट, जैसे हम ग्रेटर देन को प्रेस करेंगे यहाँ पे दिखाई, ये प्रॉपर्टी बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पे हम डायलॉग बॉक्स सॉरी, यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि 80 से ऊपर की जितनी भी वैल्यू है वो मुझे दिखाई रेड कलर, जो यहाँ पे मैंने ले रखा है रेड कलर। ठीक है, अगर आप यहाँ से कलर चेंज कर देंगे येलो फिल, ओके तो ये आपको येलो के साथ दिखाएगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मेरे को 90 से ऊपर की जो वैल्यू वो दिखाई, ठीक है तो यहाँ पे देखिए 90 से ऊपर की वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, जैसे हम इसको ओके कर देंगे यहाँ पे वो सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि हमें अगली वैल्यू देखनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है लेस देन, अगर आप लेस देन करना चाहें तो लेस देन भी कर सकते हैं सेम वही तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मान लो 76 से कम की वैल्यू देखनी कितने किस किस की भी है तो वो यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, ओके कर देंगे तो यहाँ पे सेट कर देगा, नहीं तो हम इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि आगे काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए काफ़ी सारे बिटवीन, बिटवीन का मायना है कि हम किसी भी जो वैल्यू हमारी इसके अंदर वो देखना चाहते हैं। मान लीजिए हमें देखना है 50 और 80 के बीच किस किस के कितने कितने नंबर, 50 और 70 के बीच की वैल्यू देखनी, तो ये 50 और 70 के बीच की वैल्यू शो कर देगा। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। उसके बाद इक्वल टू, किसके इक्वल है, मान लीजिए 70 के बराबर जो कितनी वैल्यू है, ठीक है या 60 के बराबर जो हम यहाँ से डिफाइन कर देंगे वो वैल्यू दिखा देगा। यहाँ 76 के इक्वल जो वैल्यू है वो दिखा दी 76। ठीक है, यहाँ पे हमने 76 डाल रखा है। ठीक है, तो देखिए सेम यही टैक्स दैट कंटेंट, अगर आप टैक्स दैट कंटेंट करते हैं यहाँ पे कुछ भी आप टैक्स देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने टैक्स नहीं दे रखा। ठीक है, जैसे हमने कुछ टैक्स दे नहीं रखा, अगर हम टैक्स को सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ से टैक्स ये मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर मैं टैक्स दैट कंटेंट, अगर मैं यहाँ पे नाम देता हूँ अमित, या फिर यहाँ पे कोई और नाम देता हूँ, ठीक है मैं देता हूँ यहाँ पे सुरेश, ठीक है तो वो टैक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो लेकिन अभी हम इनके ऊपर फॉर्मेटिंग यहाँ कर रहे हैं डिजिट के ऊपर, ना कि सॉरी टैक्स के ऊपर, अभी डिजिट के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं अबोव एवरेज, एवरेज के साथ भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, जो एवरेज नंबर है हम उसके साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू के ऊपर भी लगा सकते हैं अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू हो तो। ठीक है, उसके बाद टॉप बॉटम रूल, टॉप 10 आइटम, हम जो हमने जो एरिया सेलेक्ट किया उसके अंदर 10 बड़ी संख्याएं हम देखना चाहते हैं वो कौन कौन सी है। ग्रेटर देन हम चाहते हैं कि सॉरी यहां से जाएंगे टॉप बॉटम रूल, यहां पे टॉप 10 आइटम मैं चाहता हूं। देखिए टॉप 10 आइटम उसने दिखा दिया हमें। ठीक है, अब आप अगर टॉप बॉटम या टॉप परसेंटेज में भी देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आप यहां से फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, काफी फार्मूले हैं जो इनका फार्मूला हो सेम है। आप बॉटम आइटम देखते हैं, बॉटम परसेंटेज में एवरेज, अब वो एवरेज एवरेज से ऊपर के नंबर है वो भी आप इसमें अलग शो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला जो हमारा काम है वो डेटा बार लगाना। डेटा बार क्या होता है, जितनी भी वैल्यू है, मान लीजिए 100 हमने फिक्स करके वैल्यू 100 में से अगर हमारे पास 56 नंबर तो उसकी वैल्यू उतनी ही दिखाएगा 100। ठीक है, डाटा बार अगर मैं यहाँ से लगा देता हूँ, देखिए अगर 56 है तो 56 का बार जो यहाँ तक खत्म हो गया 67, और जो 98 है देखिए वो पूरा चला गया। ठीक है, तो ये है
हमारा डाटा बार, ये कलर कोड के साथ शो कर देगा आपको। ठीक है, जो 50 जो 50 और 60 की जो वैल्यू है वो सेम डार्क और लाइट कलर में दिखाएगा, 90 और 80 की जो वैल्यू है वो सेम कलर लेकिन डार्क और लाइट के थ्रू शो ऑफ करेगा। ठीक है, इसी तरह आप आइकॉन सेट लगा सकते हैं। ठीक है, जिस वैल्यू के साथ आप जैसा आइकॉन सेट लगाएंगे वही लगा देगा, जैसे जो 80 और उससे ऊपर की वैल्यू है। ठीक है, 80 से जिसके अंदर 7 और 8 की वैल्यू है, ठीक है, वो सारा ग्रीन दिखा रहा है, 5 और 6 की वैल्यू रेड दिखा रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, लेकिन ये ज्यादा इतनी यूज नहीं होती। अगर हमें क्लियर रूल करने हैं तो क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें क्लियर करने हैं तो उसके बाद बात करते हैं हम फॉर्मेट एज टेबल की, कि जो फॉर्मेट है, अगर फॉर्मेट एज टेबल हमें करना है तो उसके लिए हम पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहां से उसके बाद हम फॉर्मेट एज टेबल करेंगे, जैसे हम यहां से कोई भी स्टाइल चूज कर लेते हैं, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही मेरी टेबल आए, देखिए ओके। ठीक है, फॉर्मेट एज टेबल ओके, देखिए मेरी टेबल में फॉर्मेट हो गया। लेकिन इसके साथ एक बात और जुड़ गई, नहीं यहाँ पे देखिए फिल्टर लग गए साथ में, यहाँ पे देखिए जो फिल्टर लगे हुए हैं। अब फिल्टरों को कैसे रिमूव करना है वो हमारा जो है यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर, इसमें मैं आपको बताऊंगा फिल्टर को कैसे। वैसे मैं यहाँ से एक बार फिल्टर को हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, आगे जो जब हम करेंगे एडिटिंग सेक्शन तब हम बताएंगे कि आप फिल्टर को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गई फॉर्मेट एज टेबल। अब मैं चाहता हूँ इस टेबल में भी कुछ अपने स्टाइल से दूँ। ठीक है, यहाँ से मैं सेल स्टाइल लेके कुछ भी देखता हूँ। मैं चाहता हूँ जो नाम नेम नेम वॉइस जो है मेरे, ये तो मैं जो पूरा ये सेक्शन है यहाँ से मैं कोई स्टाइल अपनी तरफ से दे दूँ, कोई भी कैसा ही भी स्टाइल यहाँ से दे रखा है, ये दे रखा है, ये देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नाम वाला जो कॉलम है मैं इसको भी कुछ ना कुछ स्टाइल दे दूँ, तो यहाँ से मैं इसको कोई भी स्टाइल दे सकता हूँ कैसे। ठीक है, मैं चाहता हूँ टोटल जो है टोटल वाले को भी मैं अलग से स्टाइल दे दूँ, तो यहाँ से मैं कौन कोई स्टाइल अलग से दे सकता हूँ इसको। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे मैं कोई स्टाइल देना चाहूँ तो यहाँ से भी मैं इसको कोई ना कोई स्टाइल दे सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये है कि एक्सेल में जो स्टाइल है उसको कैसे यूज किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको आगे भी ऐसे ऐसे वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहूँ। धन्यवाद।